हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपको टोटल 15 रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया गया बॉय, बॉय को क्या लिखा जा रहा है 42, तो गर्ल गर्ल को क्या लिखा जाएगा। बॉय को 42 लिखा जा रहा है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा। तो बॉय का की कोडिंग अगर हम करें तो बी आता है 2 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पे और वाई आता है 25 नंबर पे। ठीक है, अगर आप इसको ऐड कर देंगे, ये 15 तो 17 हो जाएगा और 17 और 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42। आप लोगों को ये करना चाहिए कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सभी की प्लेस वैल्यू कौन कितने नंबर पे आता है वो आपको एकदम याद होना चाहिए, तब ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी की बात करें, जी 7 पे आता है, आई आता है 9 पे, आर आता है 18 पे और एल आता है 12 पे। तो अगर 12 18 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा और 30 7 37 37 9 कितना हो जाएगा 46। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। किस तरीके से होगा, जी आता है 7 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, आर 18 पे आता है और एल आता है 12 पे। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 46 हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने बॉय में बी 2 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे आया, इसको ऐड किए टोटल आपका आ गया 42। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए जो बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है वो है चक्षु प्रकाशन की बुक। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस बुक में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए और इस बुक का प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है और बेस्ट कंटेंट इसमें अवेलेबल है और इसका सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए किस टाइप के कंटेंट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। इस बुक को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, तो देर ना करते हुए इस बुक को आप लोग जल्द से जल्द परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। एसएससी एमटीएस के अलावा अदर एग्जाम्स के लिए भी आपको बुक जो है चक्षु प्रकाशन की अवेलेबल है। एसएससी एमटीएस के अलावा चक्षु प्रकाशन की आपको स्टडी गाइड भी अवेलेबल है जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को आपको चुनना है। 16 का संबंध जिस प्रकार 22 से है उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो लॉजिक खोजने की कोशिश करेंगे। 16 में अगर हम ऐड करेंगे 6 तो ये 22 हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आता है 42, जो कि ऑप्शन में आपके बिल्कुल नहीं दिया गया। ठीक है, अब कुछ और चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें 2 2, ठीक है, इन डिजिट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो ये होता है 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 16, जो कि यहाँ पर आपको लिखा गया है। इसी तरीके से ये 36 किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है। अब इसमें देखिए कौन से 2 डिजिट जोड़ने पे 6 आते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में आपको दिखेगा कि 24 जो दिया गया है इसमें 2 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है नंबर, कौन सी संख्या जो है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आने वाली है। यहाँ पे दिया गया, जब भी आपको ऐसे टेबल दिखे तो सबसे पहले आप देखिए कि बड़ा संख्या किस तरफ है। बड़ा संख्या यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सोल्यूशन होने वाला है, जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ऊपर से नीचे की तरफ ही लगने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लॉजिक क्या लग रहा है। 7 4 11 2 13 13 से हम 69 किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, 13 6 78 हो जाएगा। ठीक है, 13 5 65 4 ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐड करेंगे 9 3 12 1 13 और 13 का अगर करते हैं 13 5 65 और इसमें 65 करेंगे तो 91 नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी का ऐड जो होगा 13 आएगा, 6 2 8 5 13 9 3 12 1 13 और 7 4 11 2 13। ठीक है, लेकिन इससे हमारा कोई लॉजिक नहीं लगने वाला है। लॉजिक कैसे लगेगा, 7 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर 4, अगर आप इसको ऐड करेंगे 9 6 15 4 19 4 5 1 6 69 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 9 1 10 1 11 1 1 और 1 8 1 9 91। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो लॉजिक है क्या लग रहा है कि हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है 4, 6 का स्क्वायर करना है तो 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो 6 4 10 5 15 और 3 2 5 1 6 65। ठीक है, किस ऑप्शन में आपका 65 दिया गया, तो ऑप्शन बी में आपको दिया गया 65, करेक्ट आंसर हो जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पे एक नंबर सीरीज दिया गया, पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब भी आपको ऐसे सीरीज दिखे जिसमें एक बार संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए पहले घट रही है फिर बढ़ रही है फिर बढ़ रही है फिर घट रही है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें डबल सीरीज का क्वेश्चन है, डबल सीरीज इसमें चल रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 9 से 10 हो गया, 10 से 11 हो गया और 11 से 12 हो गया। ठीक है,
और ये सेकंड सीरीज क्या हो जाएगा, 8 का दोगुना हो गया 16, और 16 से क्या करेंगे कि 64, यानी कि यहाँ पे 64 का आधा आएगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का दोगुना 32 और 32 का दोगुना 64, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपका कौन सा संख्या आने वाला है, 32 आने वाला है। कैसे, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, फिर 32 का दोगुना करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32, जो कि डी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे होगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ट्रायंगल गिनना है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी होती है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कैसे आप आसानी से गिन सकते हैं और इस फिगर में कितने त्रिभुज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक हो गया, ठीक है, ये वाला त्रिभुज एक हो गया, और अगर हम बात करें ये बड़ा वाला त्रिभुज दो हो गया, ठीक है, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, और ये पाँच हो गया। अब देखेंगे ये एक हो गया छः, और एक त्रिभुज ये हो गया 7, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपको इसमें कितने त्रिभुज देखने को मिल जाएंगे, 7 त्रिभुज, ठीक है, एक और ये पूरा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और ये एक बड़ा वाला जो है ये 7 त्रिभुज, टोटल 7 त्रिभुज इसमें आपको दिखेंगे। एक बार और आप ध्यान से देख लीजिए, ये त्रिभुज कौन हो गया, एक नंबर, ये पूरा त्रिभुज 2, और ये जो बड़ा वाला ये तीसरा त्रिभुज हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया, ये छठवां हो गया, और ये वाला एक जो है ये त्रिभुज नंबर 7 हो गया, ठीक है, टोटल 7 त्रिभुज इसमें आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पर दिया गया कुछ जंगली मांसाहारी हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए जंगली हो गए, और इसमें से कुछ जंगली क्या है, मांसाहारी हो गए, लिख लेते हैं जंगली का हम लिख देते हैं जे, और मांसाहारी का लिख लेते हैं एम। फिर क्या करें, सभी जंगली जो है शेर हैं, सभी जो जंगली हैं वो क्या है, शेर हैं। तो ये जो जंगली हैं टोटल किसके अंदर, शेर के अंदर आ जाएगा, और इसको हम क्या कह देंगे, एल लिख देते हैं, लॉयन, ठीक है। अब क्या करें, सभी मांसाहारी सेब शेर हैं, तो देखिए यहाँ पे मांसाहारी इधर है, इतना पोर्शन बाहर है, तो ये बिल्कुल आपका सभी नहीं होगा, ठीक है, कुछ शेर मांसाहारी हैं। तो ये देखिए मांसाहारी वाले सर्कल को शेर वाला जो है ये मांसाहारी हो गया, ये शेर है, तो ये इसको कट कर रहा है, तो यानी कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है, निष्कर्ष है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये भी वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है क्या कि कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है उसको दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो है पूंछ वाले हैं, ये जानवर हैं, और ये जो है आपका भूरा है, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि भूरा पूंछ जानवर। अब क्या कह रहा है, भूरे जानवर जिनकी पूंछ नहीं है, ठीक है, पूंछ वाले को बाहर कर देंगे, जहाँ पे भी पूंछ है उसको हम क्या कर देंगे, काट के ख़त्म कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि भूरे, भूरा भी होना चाहिए और जानवर भी होना चाहिए, तो जानवर और भूरे में जो कॉमन एरिया होगा वही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये कॉमन वाले में 5 है, तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को आपको चुनना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी लेटर हैं उनके प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए कि अल्फाबेट में वो कितने नंबर पर आते हैं। तो यू की बात करें तो ये आता है 21 नंबर पर, और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, ओ आता है 15 पर, क्यू आता है 17 पर, आई 9 पर आता है, के आता है 11 पर, ए 1 नंबर पे आता है, और डी 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 21 प्लस 2 23 हुआ है, यहाँ पे देखिए 15 प्लस 2 17 हुआ है, यहाँ पे 9 प्लस 2 11 हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 हो गया, बाकी सब में क्या हुआ, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, प्लस 3 हुआ है, यानी कि यही डिफरेंट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन से लेटर आने वाले हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे एस टी, ठीक है, एस का होता है कितना, 19, टी का होता है 20, वी का होता है 22, वाई का होता है 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 19 से 20 हुआ है, फिर यहाँ पे 20 लिखा है, 20 से प्लस 2, पहले यहाँ पे प्लस 1 किया गया, फिर यहाँ प्लस 2 किया गया है, फिर यहाँ पे प्लस 3 किया गया है, तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस 4 होगा, तो प्लस 4 करेंगे, 25 में 4 ऐड करेंगे तो 25 4 29 हो जाएगा, यानी 29 तो कोई लेटर होता नहीं है, 26 प्लस 3 इसको लिख सकते हैं, 3 का मतलब कितना होता है, सी, यानी सेकंड प्लेस पे आपका सी आने वाला है। और अगर हम पहले प्लेस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए टी यहाँ है, तो यहाँ पे टी आ गया, वी यहाँ पे है तो यहाँ प्लस पहले पे पी आ गया, वी आ गया, और यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे भी पहले वाले स्थान पे क्या आएगा, वाई आएगा। तो जिस ऑप्शन में आपका वाई सी होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वाई सी देखेंगे इसमें है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे एस टी प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे टी से वी हुआ है, प्लस 2 हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस 3 करेंगे, ठीक है, तो प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा y, और यहाँ पे देखिए
टी के बाद यू वी प्लस 2 हुआ है, यहाँ पे देखिए प्लस 3 हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा प्लस 4 होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्लस ये जो है वाई सी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वाई सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रश्नाकृत में कौन सा उत्तराकृति जो है बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, 3 कान दिए गए हैं, तो इसमें 2 कान हैं, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। इसमें देखिए ये रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो ये रोटेट कर दिया, इसको ख़त्म कर दीजिए। इसमें देखिए ये जो ये वाला पोर्शन है इसमें बड़ा कर दिया है, तो ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी बच गया, तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे ये वाला डायग्राम यहाँ पे है, ये बड़ा वाला ये हो गया, ये वाला यहाँ गर्दन पे है इसके, और ये खोपड़ी तो इसकी है ही, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, इसको आपको सार्थक क्रम में लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो 4 नंबर, फिर क्या करेंगे बस पकड़ेंगे, तो फिर आएगा 3 नंबर, 3 नंबर के बाद आपका क्या आएगा कि कहाँ पहुँचेंगे, प्रार्थना सभा में पहुँचेंगे, तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद फिर कक्षा में पहुँचेंगे, क्लास में पहुँचेंगे, उसके बाद पाठ्यपुस्तक खोलेंगे, यानी कि 432-51 किस में दिया गया है, 432-51, तो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 43251, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए लेटर का जो पोजीशन है आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट आपके पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एल का कितना होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, एम का 13 होता है, इसमें देखेंगे एन का कितना होता है, 14 होता है, एम का होता है 13, के का होता है 11, कॉन्सेप्ट देखेंगे 12 प्लस यहाँ पे 2 हुआ है, यहाँ पे माइनस दो हुआ है, फिर यहाँ पे भी माइनस 2 हुआ है, यानी कि प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2। अब पी का होता है 16, 16 में 2 ऐड करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 किसका होता है, आर का होता है, के का होता है 11, 11 में से कितना माइनस करना है, 11 में से माइनस 2 करना है, तो 9 आएगा, और 9 होता है आई का, तो ये आई हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आई 9 है, 9 में से भी 2 माइनस करना है, तो 2 माइनस करने के बाद होता है 7, 7 का होता है जी, तो आर आई जी किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया आर आई जी। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ देखिए एल से एन तक जाने के लिए क्या करना होगा, एल के बाद एम एन प्लस 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ओ होता है 15 और एम होता है 13, यानी कि कितना माइनस किया गया है, माइनस 2 किया गया है। इसी तरीके से एम से के तक जाने के लिए भी माइनस 2 करना पड़ेगा, तो इस तरीके से अगर लॉजिक लगाएंगे तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आर आई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।